खिंचाई करते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट की। और कुछ दिन पहले मैंने सर को देखा कमर चीमा साहब के चैनल पे, और फिर मैं सोचती रही, मैंने कहा कि ये तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं, अब मैं कैसे मतलब इनको इनवाइट करूं। फिर कल मैंने इनको देखा फखर यूसुफ़ज़ई के चैनल पे, तो मुझे लगा नहीं, मैं आई मस्ट ट्राई। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे चैनल के ऊपर, और आई होप कि हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरी कंट्रीज को कि कहाँ पे हम लोगों से एक दूसरे के साथ गलती हो रही है, कहाँ पे ठीक होना चाहिए, और थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स आपके कंट्री की जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगेन थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया जी। गुड इवनिंग आशु जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। सर सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया रिलेशंस पे, कैसे देखते हैं सर आप इसको कि अभी कैसा चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिसमें हाफिज सईद को अरेस्ट करना और बहुत से ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी बैन ऑर्गेनाइजेशंस उसके ऊपर काम किया, चाहे आप बोल रहे हैं कि FATF की वजह से कर रहे हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, बट स्टिल पाकिस्तान कुछ ट्राई कर रहा है। और साथ ही करतारपुर कॉरिडोर जो ओपन हुआ वो तो ऑफकोर्स जो सिख अपनी तरफ के हैं कम्युनिटी उनके लिए और हमारी तरफ जो है, तो इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, कुछ अच्छाई की तरफ जा रहा है, कुछ थोड़ा सा 10% 20% कुछ बेहतर हुआ है? देखिए आज़ू कादरी साहिबा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट डिनायल में से जब तक खुद को निकालेगा नहीं और जब तक क्रेडिबल एक्शन नहीं लेगा अपने मुल्क के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ऊपर, और ना सिर्फ उनके ऊपर क्रेडिबल एक्शन की बात होती है और ये इंश्योर करे कि फर्दर देयर इज नो नर्चरिंग ऑफ सच एक्सट्रीमिस्ट विद इन योर कंट्री। और आपने सवाल खुद पूछा, आपने खुद ही जवाब दे दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को FATF की ग्रेलिस्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, और उसके ऊपर बहुत मुझे विस्तार से ना बताना पड़ेगा, मजबूरियां आपकी हैं, आप जानते हैं, आपकी हुकूमत की मजबूरियां हैं वो भी जानते हैं। तो जब तक ये चीज एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ जिसे कहते हैं इंटरनल पॉलिसी कह लीजिए या फॉरन पॉलिसी कह लीजिए, या एक मैटर ऑफ इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन कि हमने FATF की ग्रे लिस्ट में कुछ एक्शन करके दिखाने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो जिसे कहते हैं टिकिंग द बॉक्सेस, it should not be ticking the boxes, it should be actually voluntarily done ke ji hum ye kar rahe hain and we are interested in eliminating the terrorists within our country and Pakistan should no longer be a safe haven, aur aapki country mein jo gun culture hai wo gun culture aapko kuch change karna padega, jisko aam bhasha mein Kalashnikov culture keh dete hain jo aapke mulk mein hai, aapko you need to do a lot more to gain confidence। आपने करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात करी है, करतारपुर साहब कॉरिडोर का जो प्रोमो वीडियो था उस प्रोमो वीडियो में खालिस्तान रेफरेंडम 2020 बड़े वाजे तौर पे नजर आ रहा था, और एक दिन मेरा ख्याल है कि आप थे मेरे साथ चैनल पे, कोई और शख्स थे पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कहा कि साहब कहीं वो रह गया होगा, गलती से आ गया होगा, तो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। और ये एडिटोरियल स्टाफ इतना होता है कि कोई भी चीज एडिट किए बिना और दो चार छह हाथों से निकले बिना जाती नहीं है, रिलीज नहीं होती। बहरहाल बात ये भी है आरसू कासमी साहिबा के जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है उसको पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया गया है, विच इज अ नॉन सिख ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय अ नॉन सिख पर्सन। तो मैं ये समझता हूं कि आप दो कदम आगे चलते हैं फिर आप 10 कदम पीछे चले जाते हैं, ये एक स्लिप जो है ना आपके कंट्री का जो बैकवर्ड स्लिप है, ये जरा ये इसको अगर आप दुरुस्त करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ आने वाले वक्त में पीपल कैन स्टिल हैव सम कॉन्फिडेंस, आपके ऊपर कुछ हद तक कॉन्फिडेंस कर सकते हैं हम लोग।